Hello guys, welcome back to my channel. Today I am going to show you how I made my Peaky Blinder video on Android. So let's start. First create your project at 1080p 60fps, then add your song you want to make video on, find the beats and mark them with a bookmark and note them on a notebook. If you don't understand what I am saying, then please watch the video carefully. हेलो गाइस, और यहाँ से अभी जो है वॉइस ओवर करेंगे, क्योंकि जो ऐप है जिससे मैंने ऑडियो लगाया था वो पूरी ऐप क्रैश हो गई है, तो मुझे वॉइस ओवर तो नहीं करना था, अब करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको नोट वीडियो ओपन कर लेना है, वहाँ पर आपको प्रोजेक्ट बनाना है, और उसमें आपको रेजोल्यूशन 25% और FPS, आपका जो वीडियो का जितना FPS आप उतना कर लें, मेरा 60 है तो मैंने 60 कर लिया है। तो यहाँ पे आपको जो है मीडिया इंपोर्ट कर लेना है, देख लिए मैं मीडिया इंपोर्ट कर रहा हूँ, और अगर 60fps की वीडियो है तो बहुत ज़्यादा स्मूथ और अच्छा बनेगा, 30fps है तो उसमें थोड़ा जो लैग होने लगेगा, तो आप 60fps वाली वीडियो को एडिट किए। तो यहाँ पे जो है वीडियो आ गई है, तो यहाँ पे आपको प्लस आइकन पे जो है अभी क्लिक करना है यहाँ पे, और यहाँ पे टाइम में जाना है आपको, और यहाँ पे टाइम रीमैप जो है ऐड कर देना है, या टाइम रीमैप पे सेटिंग्स का ऑप्शन है वो दबाना है, फिर आपको कर्व एडिटर पे सिलेक्ट करना है, फिर आपको जो एग्जैक्ट जहाँ आपने बीट मार्क की थी उस सॉन्ग की, तो आपको वैसी फर्स्ट बीट में आ जाना है जूम करके। मैं कर लेता हूँ, पहले आ जाता हूँ बीट पे, यहाँ फर्स्ट बीट 10.32 सेकंड्स पे थी, तो मैं वहाँ आ जाता हूँ, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ आपको जो है यहाँ पे की फ्रेम ऐड कर देनी है, और यहाँ पे की फ्रेम ऐड करने के बाद आपको जहाँ तक आपको वीडियो अपनी फॉरवर्ड करनी है, आपको उस पॉइंट पे चले जाना है और वहाँ पे एक की फ्रेम ऐड करनी है। मैं देख लूँ मुझे कहाँ तक करना है, मुझे यहाँ तक करना है, तो मैंने यहाँ की फ्रेम ऐड कर देनी है, और आपको की फ्रेम को होल्ड करके ड्रैग कर देना है, और लेफ्ट साइड ड्रैग करना है, और उस की फ्रेम के पास ले आना है, आपको इससे फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा, और आप कम से कम 5 से 7 सेकेंड मिली सेकेंड का गैप रखिएगा ताकि वो फास्ट फॉरवर्डिंग दिख पाए। तो यहाँ पे देखिए, और जैसा मैंने बताया यहाँ पे, मैं आपको एक और बार दिखा देता हूँ करके, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा, ये मैंने सेकेंड बीट पे मार्क लगाया, और मुझे जहाँ तक फास्ट फॉरवर्ड करना है मैं वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे आपको एक और की फ्रेम ऐड कर देना, उसको ड्रैग करके जो है आपको फर्स्ट की फ्रेम के पास ले आना है, तो वहाँ पे आपका जो है फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो अब इसके बाद आपको आ जाना है लाइट मोशन पे, एक्सपोर्ट कर लेना आपको प्रोजेक्ट 1080p पे नोट वीडियो से, फिर आपको आ जाना है लाइट मोशन पे, यहाँ पे अभी हम आपको CC कैसे लगाना है वो बता देना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट को नेम कर लिया है, आपकी मर्ज़ी है आपको नेम करना है कि नहीं, यहाँ पे मैंने येलो CC के नाम से वो कर दिया, और यहाँ पे आपको 60fps जो है वीडियो का जो FPS है आपको उस हिसाब से सेट कर लेना है। फिर आपको जो है मीडिया जो है इम्पोर्ट करनी है, यहाँ पे मीडिया इम्पोर्ट होने के बाद आपको उसको डुप्लीकेट लेयर कर लेना है एक बार, और फर्स्ट लेयर का जो है उसका ऑडियो हटा देना है आपको। यहाँ पे मैंने रीनेम भी कर लिया, फर्स्ट लेयर का मैंने नाम ग्लो कर दिया, सेकंड लेयर का मैंने मेन फाइल कर दिया, क्योंकि फर्स्ट लेयर पे हम लोग ग्लो ऐड करने वाले हैं, तो आपको फर्स्ट लेयर की ऑडियो भी हटा देनी है, और फिर आपको आ जाना है इफेक्ट्स पे मेन लेयर की, और वहाँ पे आपको कलर एंड लाइट में जाना है, वहाँ पे आपको मिलेगा रिप्लेस कलर, आपको रिप्लेस कलर ऐड कर देना है, और ये देखिए मैं जो कर रहा हूँ, आपको रिप्लेस कलर का जो रेड वाला है उस पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आपको अराउंड ये 63 डिग्री कर देना है,
ठीक है। और फिर ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको आपको कर देना है अराउंड 55, और देख लिए मैं कितना कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अराउंड 56 कर दिया है। और फिर ब्राइटनेस के ऑप्शन में जाना है आपको, और वो आपको कर देना है 44%। और ट्रांसपेरेंसी जो है आप वो 100% रखिए। और आपको न्यू कलर पे सिलेक्ट कर लेना है, फिर सेम ऑप्शन थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और फिर आपको कर देना है 100 डिग्री। और फिर 100 डिग्री करने के बाद रुकिए आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने 68% रखा है। और फिर मैंने ब्राइटनेस आपकी रखी है 27% अराउंड, और ट्रांसपेरेंसी आपको 100% रखनी है। यहाँ पे आपका रिप्लेस कलर हो जाएगा, ये अभी दिख रहा नहीं है, मैं अभी ग्लो वाली लेयर जो अपर लेयर है उसको मैं हटाऊंगा तो आपको दिखेगा। अभी एक मिनट देखिए, मैंने डिजेबल कर दिया और ये ऐसा टाइप का आपका आ जाएगा कलर। फिर आपको एड इफेक्ट्स में जाना है, कलर एंड लाइट पे जाना है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा हाइलाइट्स एंड शेडोज, और वहाँ पे आके आपको जो है हाइलाइट्स अराउंड 105-104 कर देना अपने हिसाब से, और शेडोज को डिक्रीज करके 84% कर देना, ठीक है। फिर आपको फिर पे जाना है इफेक्ट्स पे, ऐड इफेक्ट पे जाना है, और जो है मैं जो इफेक्ट ऐड कर रहा हूँ देख लीजिए, एक्सपोजर गामा, एक्सपोजर जो है आपको अराउंड 0.20-21 ऐसे कर लेना अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे 0.20 किया, और गामा आपको 0.960 कर दिया मैंने देख लिया, और ऑफसेट वैसे ही ऑफसेट 0.02 कर देना, 0.02-0.03 अराउंड। तो फिर आपको कलर एंड लाइट, फिर आपको जाना है विग्नेट इफेक्ट ऐड करना है, शायद यहाँ पे नहीं, डिस्टॉर्शन में नहीं मिलेगा आपको प्रोसीजियल। यहाँ पे आपको मैटे मास्क की में जाना है, वहाँ पे आपको विग्नेट का ऑप्शन मिल जाएगा, आपको ये ऐड कर देना है, ठीक है। और फिर आपको देख लिए क्या करना है, इतने फेदर आपको पूरा फुल कर देना है, एंड फिर स्ट्रेंथ को जो आपको डिक्रीज करके अराउंड 735 कर देना है, और यहाँ पे आपका हो गया है। फिर आपको विग्नेट ऑफ करना है, और फिर यहाँ पे इफेक्ट्स में जाना है, या मैं चेक कर लूँ कि सही लग रहा है, और यहाँ पे आपको ग्लो लेयर को ऐड कर लेना। अब यहाँ पे ग्लो लेयर पे आना है आपको, और वहाँ पे आपको इफेक्ट्स पे जाना है, आपको कलर एंड लाइट पे जाना है, फिर आपको वहाँ मिल जाएगा सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस। सैचुरेशन एंड वाइब्रेंस में जाके सैचुरेशन आपको पूरी प्लस 100% कर देनी है। फिर आपको एड इफेक्ट में जाना है कलर, फिर आपको कलर एंड लाइट में एक्सपोजर गामा मिलेगा, आपको 2 पॉइंट कर देना है पूरा फुल एक्सपोजर, और गामा जो है आपको अराउंड 0.10 कर देना है, एकदम डिक्रीज कर देना है। और फिर ऑफसेट जो है आपको अराउंड 0.30-31 ऐसे कर देना है, यहाँ पे आपको देख लेना है कि इसका आ रहा है ऐसे। फिर आपको इफेक्ट्स में जाना है, ब्लर में जाना है, ब्लर में आपको मिल जाएगा गॉशियन ब्लर, गॉशियन ब्लर आपको ऐड कर देना है, और उसकी स्ट्रेंथ अराउंड 1110 कर देना है, 1110, ठीक है, आपको अराउंड इतना कर देना है। और फिर कलर एंड लाइट पे जाना है आपको, फिर से यहाँ पे आपको कलराइज ऑप्शन मिल जाएगा, कलराइज आपको टिंट में जो है यहाँ पे देख लिए मैं कितना कर रहा हूँ, यहाँ पे आप डिग्री और परसेंट के हिसाब से आप देख सकते हैं, आप वैसा ऐड कर दिएगा। मैंने अराउंड 53-54 डिग्री और 93% की किया है, तो आप भी वैसे ही कर लिए, येल्लो के साइड 94 ऐसी। इससे आपके ग्लो में येल्लो कलर आ जाएगा। फिर आपको जाना है इफेक्ट्स पे, आपको कलर एंड लाइट पे जाना है, फिर वहाँ पे आपको मिल जाएगा कलर टेम्परेचर, आपको वो ऐड कर देना है, और कलर टेम्परेचर में आपको टेम्परेचर अराउंड, मैं अभी यहाँ पे डिक्रीज कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने अराउंड 2680 के कर दिया है, देखिए वो हल्का हो जाएगा क्योंकि हमें उतना ज़्यादा नहीं चाहिए। फिर यहाँ पे आपका
ऑलमोस्ट डन है। यहाँ पे इफेक्ट्स पे जाना है, कलर एंड लाइट पे जाना है। यहाँ पे आपको हॉट कलर का ऑप्शन मिलेगा, आपको वो ऐड कर देना है। और हॉट कलर में आपको जो है कलर अराउंड येलो और ऑरेंज के थोड़ा सा नीचे साइड कर देना है, येलो साइड। और फिर ब्राइटनेस आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, और टिंट जो है आपको ऑरेंज के साइड कर देना है, जैसे मैंने किया। एकदम बिटवीन में रखना है दोनों के। आपका हो गया, और यहाँ पे आपको बस जाना है ब्लेंडिंग में, जाना है लाइट इन लीनियर डॉज, और यहाँ पे आपका पूरा इफेक्ट रेडी हो चुका है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अब हम हाँ भाई, यहाँ पता है वॉइस ओवर बहुत गंदा था, फर्स्ट टाइम है तो पूरा मतलब तोतला रहा हूँ, लेकिन हो नहीं तोतला। तो वॉइस ओवर बहुत गंदा था पता है, बट टाइम नहीं था उतना, तो वॉइस ओवर करके वीडियो बनानी पड़ी। और जो है अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बहुत अलग सी आने वाली है, मैं गेम प्ले वीडियो लाने वाला हूँ थोड़ी एडिटिंग के साथ, तो आप लोग स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लिए, अगर आप न्यू है तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, अब बाय।